हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और मैंने अभी तक 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और अब हम आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरों के लिए भी हेल्प हो जाए इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि समनर द्वारा संस्था के उद्विकास का सही क्रम है क्या? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि पहले विचार या धारणा, फिर आदत और फिर जनरीति और फिर प्रथा और फिर लोकाचार और फिर संस्था। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है ख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। संस्थाएं व्यवहारों में विचलन उत्पन्न करती हैं। संस्थाएं व्यवहारों पर नियंत्रण रखती हैं। संस्थाएं परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती हैं। संस्कृति संस्था की वाहक है। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा और पाँचवा, यानी कि दूसरा, संस्थाएं व्यवहारों में विचलन उत्पन्न करती हैं, और पांचवा, संस्कृति संस्था की वाहक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें ये पूछा गया था कि जो संस्था के महत्व को नहीं दर्शाते हैं वो पॉइंट्स हमें देखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था को सर्वोत्तम वर्णित किस प्रकार किया जा सकता है? ये विचार संकुल है प्रणालियों का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? उपयुक्त सभी, मतलब महाविद्यालय, राज्य और परिवार दोनों ही समिति के और संस्था दोनों के उदाहरण हैं। समिति तथा संस्था दोनों ही अपने आप में साध्य ना होकर मानवीय हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम या साधन हैं, ये कथन है क्या? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समिति एवं संस्था के संदर्भ में असत्य है? मनुष्य समिति एवं संस्था दोनों के सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन जो है कथन गलत है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न सामाजिक परिवेशों के तहत प्रतिमान और नियम उदित होते हैं और निश्चित रूप धारण करते हैं कहलाती है क्या? संस्थागतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों, मानकों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से उत्पन्न होकर विभिन्न क्रियाकलाप को प्रतिमानित करते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्रमिक सामाजिक संबंध को कहते हैं क्या? संस्थाएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक समाज में विविध संस्थाओं का कार्य क्या है? क्या है? प्रतिरूप अनुरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समिति एवं संस्था के बारे में असत्य है? तो समिति उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का ढंग है जिनके लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? वेप्टिज्म, दल प्रणाली, राज्य परीक्षा प्रणाली। तो राज्य संस्था का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संस्था अमूर्त है जबकि समुदाय मूर्त है। संस्थाओं का जन्म समुदायों में होता है। व्यक्ति संस्था के सदस्य होते हैं ना कि समुदाय के। संस्था नियमों, प्रथाओं एवं रीतियों का समूह है जबकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। संस्था सामाजिक जीवन से समग्र रूप में संबंधित होती है जबकि समुदाय मानव प्रणालियों की सामूहिक गतिविधियों पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन है घ। सही उत्तर का चयन कीजिए, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि पहला, संस्था अमूर्त है जबकि समुदाय मूर्त, और दूसरा, यानी कि संस्थाओं का जन्म समुदाय में होता है, जब समुदाय होगा तभी संस्थाएं बनेंगी, और चौथा, यानी कि संस्था नियमों, प्रथाओं एवं रीतियों समूह है जबकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क, प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव की उपरोक्त पांच विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण संभव हुआ? लेस्ली व्हाइट। कौन? लेस्ली व्हाइट।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृति का संबंध सत्यम शिवम सुंदरम से है, यह संस्कृति का नीति शास्त्रीय अर्थ है। नीति शास्त्रीय अर्थ है। संस्कृति एक ऐसा जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून तथा प्रथा समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य दूसरी समर्थाएँ सम्मिलित हैं। संस्कृति की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? टाइलर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियाँ दी गई हैं जिसमें परिभाषाएँ दी गई हैं और संबंधित समाजशास्त्र दिए गए हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। एंड नेक्स्ट की संस्कृति ज्ञान धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की एक विधि है। तो इसका सही ऑप्शन है का, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ए का पहला, ए का दूसरा यानी कि हावल ने बोला है, बी का पहला यानी कि लिंटन ने बोला है, और सी का चौथा यानी कि लॉवी ने बोला है, और डी का तीसरा यानी कि क्लूकोन ने बोला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्वान ने संस्कृति की पर्यावरण का नामन मानव निर्मित भाग कहा है? किस विद्वान ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है? हर सो को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति सभ्यता का प्रतिपाद है, सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है, संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है, प्रत्येक समाज की एक दृष्टि संस्कृति होती है। तो इसका सही ऑप्शन, इसमें जो कथन असत्य है वो है सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है। तो खा ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित तो कथनों पर विचार करें। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, संस्कृति गतिशील है। उपयुक्त सभी यानी कि सभी विचार जो हैं वो सही हैं संस्कृति के बारे में। मैकाइवर संस्कृति में सम्मिलित करते हैं क्या? केवल अभौतिक पक्ष को। संस्कृति क्या है दूसरा और तीसरा यानी कि अधिव्यक्तिक है और अधिसाव्य भी है। इसका खा ऑप्शन ठीक है। नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं। प्रत्येक संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार एवं परिमार्जन होता रहता है जिसे रोकने व बस करने की क्षमता किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होती है। संस्कृति अधिव्यक्तिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संस्कृति अधिव्यक्तिक एवं अधिसाव्यवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? क्रोवर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सांस्कृतिक हस्तांतरित की जाती है मतलब आगे बढ़ाई जाती है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, संस्कृति मानव व्यक्ति तत्व के निर्माण में मौलिक होती है, संस्कृति एक व्यक्तिक तत्व है। तो इसका यही संस्कृति जो एक व्यक्तिक तत्व है ये गलत है। फिर दो सूचियाँ दे दी गई हैं जिसमें परिभाषाएँ दे दी गई हैं और कुछ राइटर्स के नेम दे दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है का, ए का फोर्थ है। आप इसको ढंग से देख लीजिए फिर अपने आप लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबी डेफिनेशन है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट है। ठीक है, डी का फर्स्ट है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सूचियाँ दी गई हैं जिसमें दो पुस्तकें दी गई हैं जिसमें और लेखक के नाम दिए गए हैं। तो द सोशल सिस्टम, प्रिमिटिव कल्चर, मैन एंड प्रिमिटिव वर्ल्ड और मैन एंड हिज वर्क्स। तो इसका सही ऑप्शन है खा, ए का फिफ्थ, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक दो भागों में किस समाजशास्त्री ने बांटा? आगमन ने। सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार तथा रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियां, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है किसमें? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? वस्त्र, मनोवृत्तियाँ, प्रथा, टेलीफोन, नैतिकता। तो इन सही उत्तर का चयन कीजिए। दूसरा और पांचवा यानी कि प्रथा और मनोवृत्तियाँ क्या हैं? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है। ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विद्वान ने संस्कृति को दो पक्षों इथॉस और इडॉस का उल्लेख किया है? क्रोवर ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इथॉस और इडॉस का उल्लेख किया है क्रोवर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक क्षेत्र बिस्लर। ठीक है, ये सही सुमेलित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गा दूसरा तीसरा और पहला, यानी कि सांस्कृतिक निर्धारण लेस्ली व्हाइट ने दिया, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर ने दिया, और सांस्कृतिक का प्रकट और एक अप्रकट तत्व क्लुकहोन ने दिया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की सबसे छोटी अभिवाज्य इकाई कहलाती है क्या? संस्कृति तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति तत्व को संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व कहा है? क्रोवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब कहलाता है क्या? सांस्कृतिक संकुल। ये याद रखिएगा कि जब सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं वो किसी मीनिंग के लिए या किसी अर्थ के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो सांस्कृतिक संकुल कहलाता है। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया है? रूथ वेनेडिक्ट ने। वह क्षेत्र जिसमें समान सांस्कृतियाँ पाई जाती हैं कहलाती हैं क्या? सांस्कृतिक क्षेत्र। रूथ वेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्नलिखित में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया? उपयुक्त सभी। प्लूवलो क्वाटिकल डोबू, उपयुक्त सभी। सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया? बिस्लर ने। सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? आगमन ने। फिर से दो सूचियाँ दे दी गई हैं और जिसमें पुस्तकें और समाजशास्त्री दिए गए, मैन एंड कल्चर, सोशल चेंज, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, कल्चर सोशोलॉजी। ठीक है, तो इसका है सही ऑप्शन है गा, ए का फोर्थ है, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। संस्कृति के अभौतिक स्वरूप को परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, वह जब वह भौतिक स्वरूप में हुए परिवर्तनों के साथ स्वयं को समझित नहीं कर पाती, तब यह भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती और कहलाती है क्या? सांस्कृतिक विलंबना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो इसका सही है पहला और तीसरा, यानी कि पहला, आगमन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज ने सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये सही है। और है तीसरा, भौतिक संस्कृति को आगे बढ़ जाना व भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें कि रूढ़िवादिता, नवीनता के प्रति श्रद्धा, निहित स्वार्थ, परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता, संस्थाओं द्वारा परिवर्तन का विरोध, उपयुक्त में से कौन से उत्तरदायी कारण हैं सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति के लिए? तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि रूढ़िवादिता, निहित स्वार्थ और परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता और संस्थाओं द्वारा परिवर्तन का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की तीन अवस्थाओं आरण्य, वर्वर एवं सभ्यता की व्यवस्था अवस्था का उल्लेख किया है? मॉर्गन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संस्कृति की चार अवस्थाओं, शिकारी एवं कंदमूल, फल एकत्रित करने की व्यवस्था, पशुचारण व्यवस्था, कृषि अथवा औद्योगिक अवस्था का उल्लेख किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून आदि में तथा सामाजिक संगठन के रूपों और नियमों में होने वाले परिवर्तन। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर डेविस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कथन दिए गए हैं, कारण कथन, संस्कृति का 100% हस्तांतरण संभव है, यातायात के साधनों, कृषि के तरीकों, उत्पादन के तरीकों आदि में नवीन आविष्कारों ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। इसका सही है ए गलत है, परंतु आर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, जब दो भिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक संपर्क। तो फ्रेंड्स, ये थे 150 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।